यहाँ पे दान पेटी रखा गया है। राजू सोनी आपका हार्दिक अभिनंदन करता है और करता रहेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं राजू चौधरी और आप लोग देख रहे हैं राजू सोनी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो अभी हम आए हुए हैं वैशाली का, भैया ये कौन सा जगह है? बहादुर का वैशाली का कॉमन छपरा गांव में आए हुए हैं। वहां जो है ऐसे कि महादेव चौरमुखी मंदिर है, तो सोचे कि आज आप लोगों को महादेव चौरमुखी मंदिर का भी थोड़ा दर्शन करा दे। अभी देखिए हमारे पीछे मंदिर का ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, लेकिन पर वो धूप ज्यादा हो जाने की वजह से आप लोगों को दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी काफी धूप हो गया हुआ। अभी दोपहर का टाइम है, 1 बज रहा है। तो आप लोगों को चलिए पूरा मंदिर के पूरा अंदर का दर्शन देखते हैं। अंदर अगर कैमरा अलाउ होगा तो अंदर जाकर वीडियो करेंगे, अंदर का भी दर्शन आप लोगों को कराएंगे। अगर अंदर में कैमरा अलाउ नहीं होगा तो फिर अंदर नहीं जा सकते। आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा। कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा। और आप लोग अगर हमारे Instagram ID को फॉलो नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ Instagram ID है, वहाँ भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हर दिन एक नया नया अपडेट आते रहता है। और Facebook पेज का भी लिंक वहाँ है, वहाँ से भी आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम बैक कैमरा से पूरा दिखाते हैं, मंदिर का अंदर में दर्शन कराते हैं। चलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दुकानें भी खुली हुई है, चुनरी प्रसाद ये सब का। यहाँ अगर आते हैं आप लोग तो यहाँ पे चुनरी प्रसाद का दुकान है, यहाँ से आप लोग चुनरी प्रसाद भी खरीद सकते हैं। ये देखिए मंदिर का मुख्य द्वार है, अंदर चल के दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे दान पेटी रखा गया है,
हाँ तो दोस्तों, अभी हम बहादुर छपरा का महादेव चौर मुख्यमंत्री का अपडेट आप लोगों को दे दिए। अंदर जाकर हम आपको फर्स्ट में ही बताएं कि अंदर में अगर कैमरा का अलाउ होगा तो अंदर जाके हम पूरा शिवलिंग का दर्शन आप लोगों को करवाएंगे। पर अंदर हम गए हैं, आप लोगों को दर्शन करवाए हैं।
अभी कोरोना काल के वजह से यहाँ भी भीड़ भरा कर नहीं है, और मेन गेट भी मतलब कि अभी दोपहर का टाइम है तो बंद है, तो अंदर जाने के बाद हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किस टॉपिक पे वीडियो दे और कहाँ का वीडियो दे, क्योंकि आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा तो हमारा अंदर से हौसला बढ़ेगा, हमको भी मन लगेगा वीडियो बनाने में। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।